राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। दक्षिणी मध्य रेलवे द्वारा सिकंदराबाद मंडल पर कोजीपेट बलार शाहर रेलखंड के बीच वारंगल काजीपेट हसन परती रोड स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है। इस कार्य हेतु रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में सीकर के रास्ते चलने वाली हिसार तिरुपति हिसार ट्रेन के 3 ट्रिप सितंबर और अक्टूबर में रद्द रहेंगे। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04717 हिसार तिरुपति एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक 21/9/2024 से 28/9/2024 व 5 अक्टूबर 2024 को रद्द रहेगी। भारत के ट्रेवल इंडस्ट्री में एक प्रमुख नाम वाइकेशन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान में अपने पहले रिटेल स्टोर का भव्य उद्घाटन किया। यह स्टोर सिटी पर्ल नाम से मशहूर शहर जयपुर में स्थित है। यह नया स्टोर गुलाबी शहर जयपुर में वाइकेशन के आगमन का शंखनाद है। जयपुर भारत की सांस्कृतिक धड़कन के रूप में जाना जाता है। भविष्य को देखते हुए कंपनी आने वाले महीनों में चंडीगढ़, बेंगलोर, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों में भी अपने रिटेल स्टोर खोलने की योजना बना रही है, ताकि वाइकेशन के अनुभव को पूरा भारत और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। वाइकेशन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर और CEO श्री जतिंद्र पाल सिंह ने नए स्टोर के लॉन्च पर कहा कि हम जयपुर में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोलकर काफ़ी उत्साहित है। जयपुर एक ऐसा शहर है जो जीवंतता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह दर्शाता है। नमस्कार सर, हमें बहुत खुशी हो रही है। वाइकेशन ब्रांड आज हम पहली बार राजस्थान के अंदर जयपुर में पहली बार हमने ये टूर ऑपरेटिंग ऑफिस खोला हुआ है। ये हमारा 12वां ऑफिस हो गया है। पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास और भी जगह पे हैं। यहाँ पर हम लोग अपने हॉलीडेज हर तरह के डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल हॉलीडेज सब हम डिस्पेंस करते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट हॉल से लेके लॉन्ग हॉल आपका दुबई, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप ये पैकेजेस देते हैं। प्लस हम लोग माइस भी करते हैं, अगर कॉरपोरेट अपने लोगों को डीलर्स को लेके जाना चाहते हैं वो भी करते हैं। स्पिरिचुअल हॉलीडेज़ करते हैं, जैसे धार्मिक स्थलों के ऊपर लोग जाते हैं, चार धाम, मानसरोवर यात्रा। इसके अलावा हम लोग हनीमून टूर्स, वेडिंग टूर्स, ये सारी तरह की सर्विसेज यहाँ से, टिकट, वीज़ा, इंश्योरेंस, हॉलीडेज, सब तरह की सर्विसेज हम यहाँ देते हैं। और हमें बहुत खुशी है, हम लोग यहाँ पर जयपुर में हमारा ये पहला ऑफिस खुला है। हमारे पास जो हमारे मैनेजर हैं, ये हमारे पास पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, और ये मार्केट हमारे लिए हमेशा से बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो बहुत लकी रही है हमारे लिए मार्केट। यहाँ से अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती हैं, इतिहाद ऑपरेट कर रहा है, इंडिगो ऑपरेट कर रहा है, जो यूरोप भी जाता है, दुबई भी जाती है और सारी जगह के ऊपर जाती है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ पर जयपुर के अंदर हमारा ऑफिस खोला है सर हमारे, और हमें जयपुर से बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा सर इसके ऊपर। सर मेरा नाम जतिंदर पॉल सिंह है, JP सिंह, और मैं को फाउंडर और CEO हूँ इस कंपनी का। ये कंपनी हमने 16 महीने पहले शुरू की थी और अभी तक हम लोग इसके अंदर तकरीबन 18,000 कस्टमर ट्रैवल करवा चुके हैं सर।
भारतीय युवाओं के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित रियलमी 13 सीरीज 5G लॉन्च की। नए सीरीज में नए स्मार्टफोन के साथ ही रियलमी बर्ड सिटी 01 में भी पेश किए गए रियलमी 13 सीरीज 5G अपनी अतुलनीय स्पीड के साथ स्मार्टफोन उद्योग में परफॉर्म के मानकों को बदल देगी। रियलमी अपनी नंबर सीरीज नई टैगलाइन नेक्स्ट जेन पावर के साथ पेश कर रहा है। इसका उद्देश्य मिड रेंज मूल्य वर्ग में पावर और परफॉर्मेंस के नए मानक स्थापित करना है। रियलमी के प्रवक्ता देवेंद्र सिंह, जनरल मैनेजर रियलमी इंडिया ने कहा कि हम रियलमी 13 सीरीज 5G पेश करते हुए बहुत उत्साहित है। यह हमारे सफर में एक बड़ी उपलब्धि है। इस लॉन्च के साथ हम नई टैगलाइन नेक्स्ट जेन पावर लेकर आए हैं। रियलमी नंबर सीरीज में हमारे पोर्टफोलियो का केवल एक नया उत्पाद है, नहीं बल्कि गेम चेंजर है, जो मिड रेंज मूल्य वर्ग में पावर और परफॉर्मेंस के नए मानक स्थापित कर रहा है। बताऊं तो यंग जो जनरेशन की जो सबसे ज्यादा जरूरतें हैं वो परफॉर्मेंस है, और इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी दूसरे ब्रांड ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर हम 30 के प्राइस सेगमेंट के आसपास देखते हैं तो हमारे इस प्रोडक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इसका प्रोसेसर है, जो कि हमने बहुत ही पावरफुल दिया है, जिसका एंटूटू स्कोर ऑटोमेटिकली 750K से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से इसमें बहुत हैवी एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हो। ये अकेला ऐसा डिवाइस है जो 90 FPS गेमिंग, जो भी जितने भी ग्लोबल गेम्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है, और कोई भी इवन S24 कांट डू दैट। इसके अलावा वेपर कूलिंग सिस्टम हमने इसमें बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा दिया है, जो आपकी डिवाइस को जो है हीट नहीं होने देता है। 80 वॉट का फास्ट चार्जर है, जो आपके डिवाइस को 0 से 50% सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट में चार्ज करता है, और आप सिर्फ 5 मिनट चार्जिंग पे लगाकर आप 1 घंटा इसमें गेम भी खेल सकते हो। इसके अलावा 50 MP का सोनी OIS कैमरा है। OIS इस प्राइस सेगमेंट में बहुत आसानी से नहीं मिलता है। OIS आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी की पिक्चर कैप्चर करने में इसमें आपकी हेल्प करता है। ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, और 26 GB रैम आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिसमें से 4 GB जो रैम है वो स्पेसिफिकली गेम्स के लिए डेडिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि आप जब हैवी एप्लीकेशंस या गेम्स आप उसमें ओपन करोगे या खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है। 256 GB का जो वेरिएंट है उसमें आप मल्टीपल आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो, पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो, और फोटो कैप्चर कर सकते हो। सो ये सब फीचर्स हमने इस प्राइस सेगमेंट में इस प्रोडक्ट में हमने दिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, जनरल मैनेजर। जयपुर में टीवीएस मोटर कंपनी ने आज ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 लॉन्च किया। यह स्कूटर नेक्स्ट जनरेशन के इंजन और भविष्य के लिहाज से सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया फीचर्स से लेस है। ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 के ज्यादा सार को दर्शाता है, ज्यादा स्टाइल, माइलेज, प्रदर्शन, आराम, सुविधा, सुरक्षा और तकनीक। वहीं टीवीएस जुपिटर एक अटूट साथी के रूप में अपने 65 लाख ग्राहकों की तरह जरूरत को लगातार पूरा करता आया है। लॉन्च के मौके पर टीवीएस मोटर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड कंप्यूटर बिजनेस और हेड कॉरपोरेट ब्रांड और मीडिया अनिरुद्ध हल्दर ने कहा कि टीवीएस जुपिटर 110 पिछले एक दशक से टीवीएस मोटर स्कूटर पोर्टफोलियो का अगुवा रहा है। समय के साथ 65 लाख परिवारों ने उत्पाद में अपना विश्वास जताया है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ब्रांडों में से एक बन गया है। झालावाड़ से खबर, जहां जिला प्रशासन द्वारा रविवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड के 3 कमरों व नेट प्रैक्टिस वाले स्थान पर रखे सामानों को हटवाकर पूर्णतः खाली करवा लिया गया। ग्राउंड में अब किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा ने बताया कि अब उक्त स्थानों को खाली करवाने के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ को संभाल कर ताले की चाबियां प्रिंसिपल गरिमा शर्मा को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कार्रवाई के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हेमराज पारिता, तहसीलदार झलारा पाटन नरेंद्र मीणा मौजूद रहे। चूरू से खबर, जा जिला मुख्यालय स्थित स्वयं ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ की मटकी का प्रसाद विशाल भंडारा लगाया गया, जिसमें शहर के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ उठाया। इसी कड़ी में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिन में भोले शंकर का रुद्राभिषेक किया, दिन भर धार्मिक श्लोक की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। रात्रि में विशाल जागरण का भी आयोजन किया गया।
सूरतगढ़ में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार मामले में सिटी पुलिस ने आरोपी के वार्ड नंबर 5 स्थित मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान धराशायी किया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका कर्मियों का दस्ता व बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सिटी थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। 22 अगस्त को आरोपी ने बच्ची के साथ दुराचार किया था। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी की लंबे समय से रिक्त पड़े पद से किसानों को परेशानी हो रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास चार्ज है। खातेदारी लेने को लेकर किसान उपखंड कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर है। मेरे तो ऐसा तो कोई ज्यादा कोई खातेदारियां दी नहीं गई है, पर ये दो खातेदारियां दी गई थी, उनका अलॉटमेंट हुआ हुआ है 2007 का, और तहसील से प्रस्ताव आए हुए हैं खातेदारी के काफ़ी, और उन्होंने राशि भी जमा करा ली है। कोई पर्सन आया था मेरे पास में कि ये हमारा रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है, तो रेवेन्यू बोर्ड में केस चलना एक अलग है, अगर इसके ऊपर स्टे होता तो कोई कार्रवाई करते, क्योंकि अलॉटमेंट है पुख्ता है और उसमें सलाहकार आवंटन कमेटी द्वारा किया हुआ है, तो उसको एक अप्लीकेशन के आधार पर किसी की खातेदारी नहीं रोक सकते। अगर कार्रवाई करनी है तो सक्षम कोर्ट में विधि दायर करें। कोलायत से खबर, जहां भाद्रपद माह की सोमवती उवावस पर कोलायत के कपिल सरोवर में हजारों की संख्या में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं की भी रौनक अमावस्या पर्व पर कोलायत में देखने को मिली। जो रामदेवरा पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं वो भी सोमवती उवावस होने पर कोलायत के कपिल सरोवर में स्नान करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कपिल सरोवर में स्नान करने के लिए ऐतिहासिक बरतने की अपील भी की है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं कर रखी। जय श्री कपिल मुनि। भगवान कपिल मुनि के पावन धाम श्री कोलायत, आज समुद्र महोत्सव को देखते हुए काफ़ी भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है और श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं। बाबा रामदेव जाने वाले पैदल यात्री और समुद्र महोत्सव के मिले जुले से श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पधार रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पूर्णतः नहाने से रोक लगा रखी है, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई विकल्प नहीं रखा है कि श्रद्धालु आराम से नहा सके और आराम से दर्शन कर सके, ऐसा प्रशासन ने कोई सुविधा बनाई नहीं है। और सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो सुनने मात्र है, घाट पे जगह जगह पे कूड़ा कचरा है, प्रशासन सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कोलायत मुख्यालय पर आज सोमवती अमावस के पर्व को लेकर वाहनों की भीड़ देखने को मिल रही है। वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ जगह पर खड़ा है तो परंतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण दूरदराज से जो श्रद्धालु कोलायत में स्नान करने व कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए उन्हें परेशानी हो रही है। इसको लेकर यहाँ ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मतलब व्यवस्था की गई है, हर घंटे जाम की स्थिति रहती है, वाहन चालकों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसलिए विशेष रूप से मेरा प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जाम की स्थिति राहगीरों को यात्रियों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। भीलवाड़ा में श्री जैन श्वेतांबर चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में आज 45 पालकियों में 45 आगम शास्त्रों की शोभा यात्रा निकली। महावीर पार्क स्थित श्री जैन श्वेतांबर चिंतामणि पार्श्व मंदिर में सुबह 11 बजे मूर्ति पूजक संघ के तत्वाधान में वह साध्वी श्री दीपमाला श्री जी व शंख निधि श्री जी महाराज साहब की निश्रा में चल रहे पुर्यसन पर्व के तीसरे दिन 45 आगम शास्त्रों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा चिंतामणि पारसनाथ मंदिर के सर्किल संघ व बैंडबाजे के साथ रवाना हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए वापस चिंतामणि पारसनाथ मंदिर पहुंची। भीलवाड़ा से खबर, जहां ऊपरमाल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बिजोलिया उपखंड में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य एरू नदी किनारे स्थित जनजन की आस्था का केंद्र तिलस्वा महादेव मंदिर में आज सोमवती अमावस पर सोमवार को 1.5 लाख से अधिक भक्त व श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।
बम बम भोले हर हर भोले तिलस्वानाथ दरबार की जय आदि की जयकारों के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा। इससे वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने ललाट पर चंदन का तिलक शिव जी को रिझाने के लिए कुंड में डुबकी लगाकर परिक्रमा लगा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश व जिले के श्रद्धालु पहुंचे। आज सौमित्री अमावस्या होने से तिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आने वाले भक्तगणों को व्यवस्थित लाइन में लगाने के लिए, कुंड में नहाने के लिए सुचारू रूप से कर्मचारियों को लगाया गया, पार्किंग में कर्मचारियों को लगाया गया। साथ ही आज 1 लाख से 1.25 लाख तक के करीब श्रद्धालु दर्शनार्थी के लिए पधारे हैं। आज हवन भी चल रहा था। हर पूर्णिमा और अमावस्या को क्षेत्र से आने वाले भक्तगणों की सुविधा के लिए, उनको उनके असुविधा नहीं हो इसके लिए हर पूर्णिमा और अमावस्या को जब से ट्रस्ट बना है तब से हवन किया जाता है, जिससे क्या होगा आम जनता और यहाँ पर होने वाली असुविधा नहीं हो। तुम नाम आपका? मंगीलाल धाकर, सचिव। वहीं कोलायत में सर्व समाज की ओर से बाबा रामदेव के दर्शनार्थ पैदल यात्रियों का संघ बाबा रामदेव मित्र मंडल जुगत सिंहपुरा बांगड़सर बालाजी मंदिर RD 860 के मुख्य मार्केट से रवाना हुआ। संघ रवाना होने से पूर्व समाज बंधुओं पदाधिकारियों की उपस्थिति में बजरंग बली की पूजा अर्चना व बाबा रामदेव की आराधना की गई। पैदल यात्रियों को तिलक लगाकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। बारा से खबर, जहां नावदा शाहजी थाने में पुलिस ने 2 महापौरों चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी अनुसार 2 महापौरों विकलेरा रोड पर धामनिया निवासी सुंदरलाल मीणा के घर चोरी हुई थी। रिपोर्ट में 4,20,000 रुपये सहित टोडी व 3 ग्राम कान की बाली चोरी होना बताया गया, जिसका खुलासा करते हुए हरनावदा थानाधिकारी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में मुखबिर व तकनीकी सहायता से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।